देवास में दाऊदी बोरा समाज ईद का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ में वो अपने घर पर ही रहकर और अपने घरों को मस्जिद की तरह सजाकर अपनी ईद की नमाज अपने परिवार के साथ में अदा की है। सभी स्नेहियों को संचार साधनों के माध्यम से अपने परिवारजनों को ईद की शुभकामनाएं व मुबारकबाद भी दी है। जानकारी देते हुए मोहब्बत नजमी ने कहा है कि सैयदना साहब ने वर्तमान हालात को नजर रखते हुए सभी अनुयायियों को घर पर ही इबादत कर ईद की नमाज अदा करने का संदेश भी दिया था। इसी के तहत सभी ने ईद अपने घर पर ही बनाई है। साथ ही देश में खुशहाली व भाईचारे के लिए दुआएं भी की गई है। हमारा समाज के लिए ईद का खुशी का दिन है। रमजान का पवित्र महीने पूरे हो चुके हैं। बाहर अभी जो हालात है उसके अंदर प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं, हमारे धर्मगुरु हिज होलीनेस सैयदना साहब के यही आदेश रहते हैं कि हुकूमत के कानून का पूरी तरह से पालन हो, समाज के सभी लोग इसका ख्याल रखें। वही आदेश के अनुसार पूरे महीने हमने घरों में रह के रमज़ान में इबादत की, बंदगी की, ईद की नमाज भी घर में ही अदा की। जिस खुशी में आज दाऊदी बोरा समाज है, पूरे विश्व के लिए यही कामना करते हैं कि सभी इसी तरह की खुशी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। खासकर हिंदुस्तान के सभी नगरवासी और अपने शहर देवास के सभी लोग इसी तरह की खुशी में रहें। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।